हेलो गाइस, देखेंगे आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th के यूपी बोर्ड के साइंस के लिए 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। और इसके बाहर ये समझिए कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी आना है इसी के अंदर से आना है। अगर आपको ये टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं तो इसका, और प्लस में जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको समझिए कि 100% तैयार हो जाएगा। इसी के माध्यम से आप जो है 70 में 70 ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएँ, दूसरा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, चौथा है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित देना, पांचवा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, छठवा है धावन सोडा बनाने की विधि, सातवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, आठवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया, नौवां है धातु तथा अधातु में अंतर या इसके बारे में बताना विस्तार से, दसवां है विद्युत रासायनिक श्रेणी, 11वां है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 12वां सजातीय श्रेणी, 13 है IUPAC का नामकरण, 14वां साबुनीकरण अभिक्रिया, 15वां टॉपिक है दोस्तों एष्टीकरण अभिक्रिया, 16वां है मेंडलीव की आवर्त सारणी, 17 है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, 18 है दीर्घाकार आवर्त सारणी, 19 है श्वसन तंत्र, 20 उत्सर्जन तंत्र, 21 लैंगिक जनन, 22 अलैंगिक जनन, 23 परागण, स्वपरागण, परपरागण, दो तरह के है ना पूरा टोटल, 24वां है पुष्प की संरचना, 25 है नर तथा मादा जनन तंत्र, 26 है DNA तथा RNA में अंतर, 27 है मेंडलीव के अनुवंशिकता का नियम, 28 है एकल संकर तथा द्विसंकर क्रॉस या संकरण, 29वां लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, 30वां है प्रकाश का परावर्तन, 31 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, 32 है प्रकाश का अपवर्तन, 33 है लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, 34 है लेंस की क्षमता, 35 है निकट दृष्टि दोष, 36 है दूर दृष्टि दोष, 37 है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, 38 है ओम का नियम, 39 है विद्युत धारा, 40 है विशिष्ट प्रतिरोध, 41 है श्रेणी क्रम संयोजन, 42 है समांतर क्रम संयोजन, 43 है चुंबकीय बल रेखाएं, 44 है बायो सेवेट का नियम, 45 है फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ के नियम, 46 है वैद्युत मोटर, 47 है वैद्युत जनित्र, 48 फैराडे का नियम, 49 है ओजोन परत का अपक्षय, 50 ऊर्जा के स्रोत। इस प्रकार से आपको 50 टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक में समस्या होगी तो आप वीडियो पे नीचे कमेंट कर देंगे तो आपको उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाकर मिल जाएगा। और अगर चैनल आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है शेयर ज़रूर करना है दोस्तों क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो भी बच्चे जो है जिसके पास आप शेयर करेंगे, जो भी आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे उन सबके पास आप शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद दोस्तों।